धनबाद का बैंक मोड पार्किंग को लेकर हमेशा से विवादों में रहा है। ताजा विवाद में निगम और चैंबर आमने सामने आ गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। लेकर धनबाद नगर निगम और जिला चैंबर आमने सामने हैं। निगम मार्केट बनाने वालों को दोषी ठहरा रहा है तो चैंबर अपना गुनाह छुपाने को लेकर पार्किंग को मुद्दा बनाकर निगम को घेरने की फिराक में है। पिछले 10 सालों में जितनी भी बिल्डिंगें बनी उनमें से अधिकतर ने मार्केट के निचले तल्ले को पार्किंग दिखाकर ही नक्शा पास करवाया था, पर पार्किंग की जगहों में दुकानें खोल दी गई जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां लगाने को मजबूर है, हालांकि निगम ने इसके लिए भी पार्किंग शुल्क लगा रखा है। धनबाद नगर आयुक्त की माने तो टेक्सटाइल समेत कई मार्केट पर निगम का करोड़ों रुपए बकाया है, जिसे लेकर निगम कई बार नोटिस जारी कर चुका है और पिछले कुछ दिनों से टेक्सटाइल मार्केट के पास निगम के द्वारा ही पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। व्यवसाय होल्डिंग टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं और टैक्स के मुद्दे को छोड़ बेवजह पार्किंग का बहाना बनाकर अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। एक सही दृष्टिकोण से लगाने के लिए उसके पीछे बहुत राजस्व की हमारी भावना नहीं थी, वो भावना इसलिए थी कि लोगों को थोड़ा शुल्क पर निर्भर तो कम समय के लिए लगाएंगे, लेकिन अब अनावश्यक रूप से कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको तूल दिया गया। और आपको मालूम होगा कि जिसके टेक्सटाइल मार्केट जो कहा जाता है, उन कहा कि मेरे सामने गाड़ी लगाने को, उन पर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का लाखों रुपया बकाया है और उनके द्वारा आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया, उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। इस संबंध में जब जिला चैम्बर की राय ली गई तो उनका तर्क अलग ही दिखा। चैंबर के सदस्य प्रभात सिरोलिया ने नगर आयुक्त को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि निगम पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है। जिस मार्केट को लेकर विवाद है उसमें अभी भी न्यायालय में मामला चल रहा है और पार्किंग को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों से कई बार जिले के अधिकारियों को चैंबर के द्वारा सूचना दी गई। यदि होल्डिंग टैक्स अनिवार्य है तो सभी व्यवसाय जरूर देंगे और दे भी रहे हैं। अगर आयुक्त दबंगों के सहारे नगर निगम को चलाना चाहते हैं, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि वो मार्केट का जो है विवाद जिला परिषद के साथ में चल रहा है बहुत दिनों से। 2011 में इस मार्केट को सील कर दिया था जिला परिषद ने, उसके बाद में जिला परिषद के साथ में कुछ और कोर्ट में कुछ इन लोगों का बातचीत हुआ जिससे ये दुकानें 2017 के एंड में खुली और जिला परिषद को ये भाड़ा दे रहे हैं उसका। अब आप बताइए 2000 से जब मार्केट बंद है तो ये होल्डिंग टैक्स कहाँ से देंगे, उसके बाद में 2017 के एंड में ये दुकानें खुली जिला परिषद को भाड़ा देते हुए, इसका मालिकाना हक का अभी भी विवाद चल रहा है। फिर बहरहाल गलती निगम की हो या मार्केट मालिकों की, पार्किंग की जगहों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए था ताकि आम जनता को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट।